समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के काफिले के साथ बड़ा हादसा हुआ है। उनके काफिले की गाड़ियां आपस में टकराने के कारण कई लोग घायल हो गए। करीब 6 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। अखिलेश एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे और घटना की जानकारी मिलते ही अफरा तफरी मच गई। वहीं मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल भेजा जा रहा है। हालांकि अखिलेश यादव की कार को कोई नुकसान नहीं हुआ है। बताया जाता है कि अखिलेश यादव हरदोई के हरपालपुर क्षेत्र के बैठापुर गांव में एक मांगलिक समारोह में भाग लेने आ रहे थे। जैसे ही उनके वाहन फरहत नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचे तो तीर मोड़ के कारण एक गाड़ी ने ब्रेक लगाया। इससे काफिले में चल रही आधा दर्जन गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई और वाहनों के टकराने से आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और एसपी पूर्वी अनिल कुमार यादव ने बताया कि अखिलेश यादव के काफिले के पीछे चल रही उनके समर्थकों की गाड़ियां आपस में टकराई हैं। और बताया जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दोपहर करीब 2 बजे मल्लावा में कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद हरपालपुर क्षेत्र के गाँव बैठापुर की ओर रवाना हुए।